हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है इज एक्सेलरेशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, दैट इज ऑल अबाउट द इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने अभी तक काइनेमेटिक्स की इस सीरीज में जो जो चीज़ें पढ़ी हैं, दैट इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद हमने पढ़ी वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी के टाइप्स हमने पढ़े, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में हमने काम किया। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में पहले तो थ्योरेटिकल बेसिक कंसेप्ट को हम समझते हैं, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आपके सामने आते हैं, जो आपके लेवल के आते हैं, वो हम यहाँ पे करवाएंगे। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन, हम नॉर्मली एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई ए, स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड एक्सेलरेशन की जो बेसिक डेफिनेशन होती है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यही हमने पढ़ा है अभी तक, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो यहां से हम इसको लिख सकते हैं, देखो चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। ये चीज हमने पढ़ी अभी तक, ठीक है, नाइन्थ क्लास में आ रहे नॉर्मल से टॉपिक। That is A is equal to change in velocity, मतलब V2 minus V1 and that is T2 minus T1. Change in velocity V2 minus V1 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ del V, and T2 minus T1 change in time period को हम represent कर सकते हैं del T से। क्लियर है? तो इतनी तो बेसिक बातें हैं, हमें मालूम है कि acceleration के बारे में ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा फील कर लेते हैं कि यार acceleration actually में होता क्या है। देखिए, इसकी SI unit जो होती है, नॉर्मली हम इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए, वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की होती है सेकंड, तो इसको मैं बोल सकता हूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो हो गई चलो याद करने वाली बातें, थोड़ा सा फील कर लेते हैं। मान लीजिए एक्सेलरेशन आपको कहीं भी लिखा मिल जाए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि 5 मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम, यानी कोई भी जो बॉडी मूव कर रही है 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ट्रेवल कर रही है, ठीक है, क्लियर। 1 सेकंड में वो कितना आगे बढ़ रही है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो आगे की तरफ बढ़ रही है। दैट इज द एक्सेलरेशन, इट्स द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। अब बात आती है इसके टाइप्स की। एक्सेलरेशन के टाइप्स हमने कितने पढ़े हैं 9th क्लास में? नॉर्मली देखिए, फर्स्ट वन इज एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? जिस तरीके से हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी, उसी तरीके से एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन का क्या बनेगा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस। This is the formula for average acceleration, ठीक है? जिस तरीके से हमने average velocity के बारे में discuss किया था, average velocity में हमने क्या किया था, s2 minus s1 upon t2 minus t1, ये हमारा क्या बन गया था, average velocity, और इसी के आधार पे हमने numerical solve किए थे। चलिए, ये तो होगी बेसिक बात है। अब हम आज के जो सबसे important topic है हमारा, that is instantaneous acceleration। Instantaneous acceleration क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि instantaneous acceleration में time period जो होता है वो बहुत ही छोटा हो जाता है, इतना छोटा कि बहुत ही करीब करीब जीरो के बराबर हो जाता है। यानी time period जो होता है, normal acceleration का formula अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, that is del v by del t। लेकिन अगर ये डेल्टी, अगर ये डेल्टी करीब करीब जीरो के बराबर हो जाए, यानी बहुत ही ज्यादा नजदीक, बहुत ही छोटा टाइम पीरियड हो जाए, तो मैं इस डेल वी और डेल्टी को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी
वी अपॉन डेल डी टी, डी वी बाई डी टी। ये फॉर्मूला बन जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए, जो कि टाइम पीरियड होता है बहुत ही छोटा, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड के लिए हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की हेल्प लेते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या बनता है, डी वी बाई डी टी। अब आपको थोड़ा सा याद होगा, मैं फिर से जाऊंगा डिफरेंशिएशन के केस में। देखिए वी अपॉन टी यानी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो याद रखिए डी वी बाई डी टी क्या होता है, स्लोप ऑफ वी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, डी वी बाई डी टी। और डी वी बाई डी टी कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, टेंजेंट थीटा से। ये कॉमन चीजें हैं, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं इसमें। मान लीजिए आपके पास एक ये ग्राफ है और आपके पास एक ये ग्राफ है, मैं कहूं कौन से ग्राफ में एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, तो ध्यान दीजिए इसके हर एक पॉइंट पर एंगल सेम होगा, किसी भी पॉइंट पे इसके हर एक पॉइंट पर एंगल सेम होगा, एंगल सेम होगा, टेंजेंट थीटा सेम होगा, टेंजेंट थीटा सेम होगा, तो स्लोप सेम होगा। और स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, डीवी बाई डी टी। ये वी है, ये टी है, ये वी है, ये टी है। डीवी बाई डी टी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन। यानी यहां पे ये तो हो गया कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, क्लियर वन, ठीक है। अब जरा इस पे देखिए, इसके हर एक पॉइंट पर, यहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, यहां एंगल देखिए, यहां मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, यहां एंगल देखिए, यहां मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, यहां पर एंगल दीजिए, एंगल बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब डीवी बाई डी टी इंक्रीज होता जाएगा, और डीवी बाई डी टी इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इस ये वाला जो वेरिएबल ग्राफ है, इस वेरिएबल ग्राफ में एक्सेलरेशन इंक्रीज होता जाएगा। और इस कॉन्स्टेंट, इस तरीके का ग्राफ अगर मिल जाए आपको जिसमें हर एक पॉइंट पर एंगल क्या हो, सेम हो, वहां पर वो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन कहलाता है। तो ये कॉमन सी चीजें हैं, बाकी हम डिटेल में ग्राफ, ग्राफ का अलग एक टॉपिक आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे सारी चीजों के बारे में। चलिए ये तो हो गई थ्योरी की बात, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, अब आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ कि अभी तक जितनी भी मैंने थ्योरी करवाई है, मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूं, स्पीड की बात करूं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करूं, हर एक में वेरिएबल ग्राफ का केस आता है डिफरेंशिएशन में। तो अभी तक हमने देखो वेलोसिटी का डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, क्या फॉर्मूला बना था, डी एस बाई डी टी। और यहां एक्सेलरेशन को हमने एक्सप्लेन किया तो ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। डी डी कहां पे यूज किया जाता है, ये डी और डी डी टी कहां पे यूज किया जाता है, जब टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा होता है, और छोटे टाइम इंटरवल के लिए इंस्टेंटेनियस का यूज किया जाता है। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। दोनों में ही दिस इज द स्लोप, क्योंकि स्लोप, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, डीवाई बाई डी एक्स। उस डीवाई बाई डी एक्स को अगर मैं, डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स ग्राफ। सिमिलरली जब इस चीज को मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा तो डी एस बाई डी टी इज स्लोप ऑफ एस वर्सेस टाइम ग्राफ। सिमिलरली है डीवाई बाई डी टी इज द स्लोप ऑफ वी वर्सेस टाइम ग्राफ। और इसको, और इसको फाइंड कैसे किया जाएगा, देखिए इसको और इस चीज को फाइंड कैसे हम करते हैं, टेंजेंट थीटा की हेल्प से, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल ग्राफ के केस है, ठीक है। चलिए अगर किसी को और ज्यादा दिक्कत हो तो वो डिफरेंशिएशन का जब मैंने कंसेप्ट समझाया था मैथमेटिकल टूल्स में, वो वीडियो जरूर देखें, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी लगेगा आपको, ये जितना भी मैं स्लोप का बोल रहा हूँ ना, स्लोप बार बार, ये स्लोप कैसे निकाला जाता है, आप डिफरेंशिएशन की वीडियो देखिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा मैथमेटिकल टूल्स की। तो टेंजेंट थीटा जब हम फाइंड आउट करते हैं तो डी एस बाई डी टी आ जाएगा, और डी वाई बाई डी वी बाई डी टी भी उसी तरीके से आएगा। तो ये दोनों ही स्लोप कहलाते हैं ग्राफ के। ये हमें देगा वेलोसिटी और ये हमें देगा एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूले देख लीजिए, वी फाइंड आउट करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है, और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। दिस इज द बेसिक और थ्योरेटिकल कंसेप्ट ऑफ द एक्सेलरेशन। अब हम न्यूमेरिकल पे आते हैं।
हमारा तो मेन मकसद है ना न्यूमेरिकल एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स ही क्वेश्चन आते हैं, इन पर थ्योरेटिकल नहीं पूछा जाता कुछ भी। चलिए मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अब ध्यान से देखिएगा। इस तरीके के ही एग्जाम्स में एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। मान लीजिए आपको यहाँ पे गिवन है वेलोसिटी 3t² - 5t। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड एक्सेलरेशन एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट कीजिए। तो अभी अभी हमने मैंने आपको बताया बेटा एक्सेलरेशन कब निकलता है, जब वेलोसिटी का मालूम होता है, और वेलोसिटी कब निकलती है, जब डिस्प्लेसमेंट मालूम होता है। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, देखिए वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, दैट इज dv/dt का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन, पावर आगे आ जाएगी 3 to the 6 एंड पावर में से एक कम हो जाएगा। पावर यहाँ पे 1 है, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3t - 5, दैट इज एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कहाँ पूछा गया है, टाइम पीरियड 2 सेकंड पर। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, t की जगह हम 2 रख देंगे, दैट इज 12 - 5 = 7 m/s². दैट्स ऑल बेसिक कंसेप्ट, बेसिक न्यूमेरिकल। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे हम, सभी में एक जैसी बात पूछी जाएगी। अच्छा इसी में मैं कह देता हूँ, इसी के अंदर मैं पूछ लेता हूँ चलो आपसे, कि वो टाइम पीरियड फाइंड आउट कीजिए जब बॉडी रेस्ट में होगी। ये मैंने एक्सेलरेशन एवरेज वेलोसिटी और उसमें भी करवाया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स वगैरह में। तो एक क्वेश्चन का इसी इक्वेशन का एक क्वेश्चन और बना देता हूँ, फाइंड टाइम टेकन बाय बॉडी व्हेन इट इज एट रेस्ट। और इस कंडीशन में मैंने क्या बताया था आपको कि क्या हमेशा, देखिए बॉडी हमेशा रेस्ट में कब रहेगी, बॉडी अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है। बॉडी अगर रेस्ट में है इसका मतलब वो चल नहीं रही है, तो वेलोसिटी 0 है, ठीक है। ये कंडीशन हम अप्लाई करते हैं और वेलोसिटी ये है, यानी ये चीज पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 0 के बराबर, 3t² - 5t = 0। कुछ नहीं करना, यहां से t कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, 3t - 5 = 0। यहां से देखिए t = 0, एक टाइम पीरियड तो ये आ गया हमारा कि जब टाइम 0 रहेगा उस समय बॉडी रेस्ट पे रहेगी, और एक कंडीशन ये बनती है हमारी, ये तो मैथ में आपको मालूम ही है। तो यहां से t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/3, यानी 1 point something second, यानी 1.6 सेकंड पे बॉडी फिर से एक बार रेस्ट में आ जाएगी। तो जब भी आपको टाइम पीरियड पूछा जाए कि वो टाइम पीरियड निकालो जब बॉडी रेस्ट में होगी, उसमें वेलोसिटी को 0 रख देना, ठीक है, वेलोसिटी आपको गिवन मिलेगी और उस आधार पर आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो कि वो टाइम पीरियड कौन कब कब बॉडी रेस्ट में आएगी, वो टाइम पीरियड आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका पहला लेवल, अब और क्या क्या पूछेगा वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में, इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं हमसे। चलिए अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाता हूं, चलिए मैं आपके लिए देता हूं, आप करके देखिए मुझे। मान लीजिए आपके पास v दे दिया उसने, ठीक है, v दे दिया, चलो v नहीं उसने s दे दिया, s इसमें क्या है कि प्रीवियस लेक्चर भी थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा आपका। तो s इज इक्वल टू उसने दे दिया 3t³ - 2t² - 9t, ठीक है। और फाइंड आउट क्या करवाया उसने कि फाइंड वेलोसिटी एक्सेलरेशन एट टाइम 2 सेकंड, एट टाइम 2 सेकंड। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं है, दो पार्ट में कर लेता हूं मैं इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, s गिवन है यानी डिस्प्लेसमेंट आपका गिवन है, तो वेलोसिटी तो फाइंड आउट आराम से हो सकती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ds / dt, यानी
डिफरेंशिएशन आपको करना है डिस्प्लेसमेंट का विद रेस्पेक्ट टू टाइम. डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है. तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, पावर आगे दैट इज 90, और पावर में से एक कम 90 स्क्वायर इसका यही होगा. इसका डिफरेंशिएशन पावर आगे दैट इज 40, पावर में से एक कम, और यहां पावर क्या है 1 है, पावर आगे आ जाएगी पावर में से एक कम हो जाएगा. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 90 स्क्वायर माइनस 40 माइनस 9. क्लियर, ये वेलोसिटी आ चुकी है, ये वेलोसिटी हमारी आ चुकी है. अब हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड कितना दे रखा है, फाइंड वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकंड. कुछ नहीं करना, टी की जगह एट 2 सेकंड वी कितना आ जाएगा, टी की जगह 2 पुट कर दीजिए, माइनस 2 माइनस 9 दैट इज 4, 36 माइनस 8 माइनस 9, तो ये कितना आ जाएगा आपका 19 मीटर पर सेकंड. एक पार्ट हो गया आपका. अब एक्सेलरेशन भी उसने पूछ लिया, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डीवी बाई डीटी. यानी वेलोसिटी है अगर हमारे पास, तो हम एक्सेलरेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. वेलोसिटी ये रही, देखो वेलोसिटी की इक्वेशन ये रही, यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. 19 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी 9 टू 18, पावर में से एक कम, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 18t. यहां पावर क्या है 1 है, 1 आगे आ जाएगा पावर में से एक कम कर दूंगा माइनस 4, एंड दिस इज कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या बताया था मैंने मैथमेटिकल टूल्स में, 0. तो x हो गया, एक्सेलरेशन कितना आ गया 18t माइनस 4, ये तो 1 बन गया. अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है एट टाइम 2 सेकंड पर, तो एट 2 सेकंड एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 18 माइनस 4 36 माइनस 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इसके ऊपर के लेवल के नहीं आते, ठीक है, एग्जाम्स में. क्लियर वन, ये थे 1 डायमेंशन के. अभी मैं 2 डायमेंशंस के और करवा देता हूं एक दो न्यूमेरिकल्स, ठीक है. 2 डायमेंशंस के वैसे है नहीं शायद आपकी बुक में, फिर भी मैं करवा देता हूँ, अच्छी बुक में मिलते हैं. देखिए और कुछ, यस बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल है, बहुत बेहतरीन. एक मैं करवाता हूँ, एक मैं आपको करने के लिए दूंगा, ठीक है, उसका आंसर मैं बता दूंगा आप करना. बाकी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं प्रैक्टिस के लिए नोट्स में डाल दूंगा बहुत जल्द, ठीक है, वहां से आप देख लेना. तो इसमें फाइंड आउट करना है, फाइंड एक तो वेलोसिटी, एक स्पीड और एक एक्सेलरेशन. मैं एक ही न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, एक ही न्यूमेरिकल में मैं सारी चीज समझा दूंगा आपको, ठीक है. और भी चीजें गिवन है, एट t = 1 सेकंड पे फाइंड आउट करना है, एट t = 1 सेकंड पे फाइंड आउट करना है, और एक्सेलरेशन करना है एट t = 2 सेकंड पे फाइंड आउट. तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, 2 डायमेंशन देख रहे ना, आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन और जे कैप मतलब वाई डायरेक्शन, ये वेक्टर में हम समझा चुके थे आपको. तो जब 2 डायमेंशन से न्यूमेरिकल्स आ जाए, एक्सेलरेशन स्पीड और ये पूछे वेलोसिटी वगैरह, तो किस तरीके से उसको सोल्व करेंगे, तो बहुत ही ध्यान से देखना. चलिए सबसे पहले बात करेंगे वेलोसिटी की, ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे वेलोसिटी की. वेलोसिटी के ऊपर ध्यान दीजिए, बाकी चीजें अपने आप आ जाएंगी. वेलोसिटी देखिए, एस एक्स डायरेक्शन में क्या है, तो जो आई कैप होता है वो एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है, तो एस एक्स कितना हो जाएगा, मैं साथ साथ ही लेके चलता हूं. एस वाई कितना है, 5t j, यानी ये लगाने की जरूरत नहीं है, y लिख दिया तो 5t, ठीक है.
पूछा क्या है, वेलोसिटी t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट है, मैं वेलोसिटी निकालूंगा, vx निकल सकता है, sx दे रखा है तो vx आराम से निकल सकता है, दैट इज sxt / dt, अरे डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो वेलोसिटी आ जाती है ना, और 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड, सेम है यार, dv / वेलोसिटी ऑफ माइंड कितना आ जाएगा यहां से, इस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो कितना आएगा 5, वेलोसिटी है तो मीटर पर, इतना आप कर लोगे इजी, क्लियर, vx आ चुका है, vy आ चुका है, तो कंप्लीट वेलोसिटी कितनी बनेगी, ध्यान से देखिएगा, vx 2, vx कितना आया 2, x डायरेक्शन में है तो i कैप, प्लस vy कितना आया 5, j कैप, y डायरेक्शन में, तो ये आ गई आपकी वेलोसिटी की इक्वेशन, ये आपकी आ गई वेलोसिटी, अब वेलोसिटी कहां फाइंड आउट करनी है, 1 सेकंड पे, तो देखिए यहां पे टाइम पीरियड का यूज ही नहीं हो रहा, ये टाइम के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसमें इस इक्वेशन में कहीं भी टी आ रहा नहीं आ रहा, तो ये एट 1 सेकंड एप्लीकेबल नहीं है, तो दिस इज ऑल अबाउट द वेलोसिटी, ठीक है, जब आपकी वेलोसिटी आ जाए तो याद रखना वेलोसिटी जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी निकाली जाती है, इसीलिए देखो डायरेक्शन भी साथ साथ लिखी गई है कि 2 मीटर पर सेकंड चली एक्स डायरेक्शन में एंड 5 मीटर पर सेकंड चली जेड वाई डायरेक्शन में, और स्पीड जब पूछी जाए 2 डायमेंशन में अगर स्पीड पूछी जाए तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जाता है, तो वेलोसिटी ये रही इसका मैग्नीट्यूड, तो स्पीड, स्पीड क्या होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, अरे यही तो होता है वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही स्केलर कहलाता है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगा, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, और आपने पढ़ा है वेक्टर में कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, आई टू स्केयर फाइव स्केयर, कितना आ जाएगा ये 4 25 29 मीटर पर सेकेंड, This is the speed of this momentum. Clear? Clear है? कोई दिक्कत? चलिए। दो चीज़ हम find out कर चुके हैं। अब बारी आती है acceleration find out करने की। और acceleration find out करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? That is velocity. तो velocity ये रही। देखिए, एक velocity की equation ये है, general equation जो हमारे पास आई है। तो चलिए acceleration हम find out कर लेते हैं। अब टू डायमेंशन का केस है तो जिस तरीके से आपने वेलोसिटी निकाली है उसी तरीके से आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करोगे, तो ax कितना हो जाएगा यहां से, ये देखिए ax ये क्या है 2, और ay कितना हो जाएगा 5j, ठीक है, तो एक्सेलरेशन, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ये वेलोसिटी है, ये vx है और ये vy है, तो एक्सेलरेशन निकालिए x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, वेलोसिटी कितनी है 2i, यानी x यहां लिख दिया तो i लगाने की जरूरत नहीं है, y यहां लिख दिया तो ऐसे कर सकते हो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, यही है इस इक्वेशन से हमें यही प्रूव हो रहा है कि x डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड चली और y डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड को चली है, तो एक्सेलरेशन कैसे आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ द वेलोसिटी, चलिए vx 2 a constant term, तो acceleration कितना आएगा 0, same here, that is ay and dy by dt, and what is the differentiation of 5 meter per second, that is a constant term, and the differentiation of constant term is also 0, तो acceleration दोनों का ही क्या आया है 0, ठीक है, जब कोई value ही नहीं आई तो time रख लेगा तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है, अगर कोई वैल्यू आती तो आप इजीली उसको निकाल सकते थे, ठीक है, इजी नो, तो टू डायमेंशन के इस तरीके के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्लियर वन, चलिए ये हो गए टू डायमेंशंस के बाद, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे फाइंड आउट की जाती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन,
तो हमेशा याद रखना एक रिमेंबर पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन बताएगा हमेशा, वेलोसिटी। डायरेक्शन, बॉडी कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस, कौन बताता है ये चीज, सब वेलोसिटी हमें बताएगी किस तरीके से। चलिए कुछ एक एग्जांपल्स लिखते हैं हम यहाँ पे। देखिए अगर वेलोसिटी आपकी -5 मीटर पर सेकंड आती है और वेलोसिटी +5 मीटर पर सेकंड आती है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी 5 मीटर पर सेकंड पीछे की तरफ जा रही है, और ये इसका मतलब क्या है कि बॉडी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है या पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रही है, एज योर चॉइस, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। और नेगेटिव का मतलब अगर वेलोसिटी नेगेटिव में आ जाती है तो समझ लो बॉडी पीछे की तरफ जा रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और अगर वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाती है यानी पॉजिटिव मैग्नीट्यूड की आ जाती है तो उसका मतलब होता है कि बॉडी आगे की तरफ जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हमेशा याद रखना डायरेक्शन ऑफ मोशन, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन कौन बताएगा हमें, वेलोसिटी के साइन से हमें मालूम चलेगा। क्लियर बन, चलिए एक मोमेंटर और देखते हैं इसके ऊपर, एक कॉमन सा एग्जाम्पल लेके मैं इसको समझा देता हूँ आपको, ठीक है, इसी चीज को मैं समझा देता हूँ एक कॉमन सा एग्जाम्पल लेके, ठीक है, इस लेवल से पूछे जाएंगे आपके। ये एस दे दिया आपको, ठीक है, और इन्होंने वेलोसिटी पूछ ली 2 सेकंड पर, फाइंड वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो कुछ नहीं करना भैया, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, सर ने बताया था डिफरेंशिएशन कर दो डिस्प्लेसमेंट का, हम कर देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, दैट इज 2t1, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, दैट इज 6, ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सर ने बताया था 0 होगा, बिल्कुल सही बात है, दैट इज 2t-6 मीटर पर सेकंड, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, गॉट इट। जब वेलोसिटी हमारे पास आ चुकी है and then find out the velocity at the t is equal to 2 second पर हमें velocity find out करनी है, at t is equal to 2 second, what is the velocity, t की जगह 2 second put कर दीजिए आप, that is -2 meter per second। देखिए यहाँ पे बात हमें पता चल जाती है कि माइनस में अगर आंसर आ रहा है -2 meter per second का मतलब है कि बॉडी 2 meter per second की स्पीड से पीछे की तरफ जा रही है। क्लियर है, तो यही साइन हमें बता देता है कि वेलोसिटी से ही हमें मालूम चल जाता है, ठीक है, बॉडी के मोशन की डायरेक्शन। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, पजल होने की जरूरत नहीं है, इस किसी भी न्यूमेरिकल में आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर, यहां पे मैं फिर से वही क्वेश्चन पूछने चाहता हूं, एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूं कि वो टाइम पीरियड फाइंड आउट कीजिए, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी एट व्हिच द बॉडी इज एट रेस्ट पोजीशन, कि वो टाइम पीरियड निकालिए जब बॉडी रेस्ट पोजीशन पे होती है, तो आपको मालूम है उस समय क्या होता है, रेस्ट का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी 0, वेलोसिटी की इक्वेशन ये आ रही है। हर न्यूमेरिकल में जब जब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वो टाइम पीरियड फाइंड आउट कीजिए जब बॉडी रेस्ट में होती है, तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, कुछ नहीं है, वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, दैट इज 2t-6 = 0, 2t = 6 एंड t = 3 सेकंड, 3 सेकंड पर बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। क्लियर, तो इस तरीके के मैंने हर एक टाइप के न्यूमेरिकल, इसी टाइप के न्यूमेरिकल से आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, 1 dimension और 2 dimension के डायरेक्ट। आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले याद रखने, 2-3 बातें आपको याद रखनी है, फिर से बता देता हूँ कौन कौन सी 2 बातें। अरे जब भी वेलोसिटी पूछी जाए ना आपसे, वेलोसिटी, तो उसके लिए आपको एस की जरूरत पड़ेगी, और जब एक्सेलरेशन पूछा जाए ना उसके लिए आपको वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और जब टाइम पीरियड रेस्ट में पूछा जाए ना तो वेलोसिटी 0 कर देनी है आपको। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है आपके। क्लियर, तो इस वीडियो में इतना ही, दैट इज ऑल अबाउट द एक्सेलरेशन। अभी तक हमने क्या क्या करवाया है मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर के लिए, काइनेमेटिक्स की इस सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं। सबसे पहले हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की, वो कवर किया, उसके बाद हम उठा के लाए वेलोसिटी और स्पीड को, फिर हमने टाइप्स लिए उनके, टाइप्स में पहले हमने वीडियो बनाई थी किसकी, लेक्चर, हमने कंसेप्ट को समझा था एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के ऊपर, न्यूमेरिकल्स के बढ़िया तरीके से हो गया। फिर हमने क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस टाइम स्पीड के बारे में, उसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के, न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाएंगे, कंसेप्ट नहीं पूछा जाता, ठीक है, कंसेप्ट को समझना है आपको बस, ठीक है, वो कवर किया। आज बात की हमने एक्सेलरेशन की,
सारी बातें कवर हो चुकी हैं। ठीक है, आपने नाइन्थ में थोड़े बहुत बातें पढ़ी होंगी कि एक्सेलरेशन के दो टाइप ही पढ़े थे हमने नाइन्थ में, कि पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसका मतलब क्या है कि बॉडी की स्पीड डिक्रीज हो रही है, हमने यही पढ़ा था। क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव कब आएगा, जब वेलोसिटी नेगेटिव में आती है। ठीक है, वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब क्या है कि बॉडी या तो उस पर ब्रेक लगाए गए हैं, उसकी स्पीड जब डिक्रीज होती हुई आती है तब हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। और उसी का दूसरा नाम हमने क्या पढ़ा था नाइन्थ क्लास में, रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन। क्लियर वन, क्लियर नाइन्थ क्लास के थे। आज हमने थोड़ा सा हाई लेवल पे थोड़ा सा लेवल बढ़ाया हमारे प्रश्न का, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन। और उसके ऊपर ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स। पढ़ते रहिए, आज के लिए थैंक यू सो मच।